हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में देखा था हमने बेस थ्योरम। आज हम लोग समझने वाले बेस थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपकी जो गलतियां इसमें होती वो नहीं होंगी। तो कैसे आप सभी लोग, होपिंग यू आर फाइन। तो मैं ना स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नोमैटिक्स पर। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बॉक्स कंटेनिंग 2 blue 3 pink balls एंड अनदर बॉक्स कंटेनिंग 4 blue and 5 pink balls। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द टू बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी पिंक। इस पे ध्यान देना, पिंक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स, पहला ये फाइंड करना है, और दूसरा क्या है, इट वॉज फ्रॉम द सेकेंड बॉक्स। तो समझते सबसे पहले हमको दिया क्या होगा, उसके बाद क्या फाइंड करना, फिर उसको समझेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है दो बॉक्स है, तो इसको ना अगर आप लोगों ने, ये जो मैं चार्ट बनाने वाला इस तरीके सॉल्व करेंगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। कैसे, जो गलतियां होती है ना वो नहीं होंगी। तो सबसे पहले मेरे पास दो बॉक्स है, बॉक्स वन बॉक्स टू, ठीक है, बॉक्स वन बॉक्स टू हो गए। अब बॉक्स वन में कितने, 2 blue 3 pink, 2 blue 3 pink, उसमें बॉक्स टू में 4 blue 5 pink। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर समझना, मेरे पास दो बॉक्स हैं। अभी इसमें पहले बॉक्स से सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसको समझते हैं। देखो कैसे, जब भी मैं कॉइन टॉस करता हूं तो मेरे पास एक हेड आता है, एक टेल आता है। तो हेड और टेल दोनों की सिंगल सिंगल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड की 1/2 और टेल की 1/2। सिमिलरली यहां पर देखो दो बॉक्स है, तो इस बॉक्स की क्या हो जाएगी 1/2 और इसकी क्या हो जाएगी 1/2, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। अब सिमिलरली एक बॉक्स वन चूज किया, उसमें से मैं अगर समझ लो ब्लू बॉल चूज कर रहा हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो मेरे पास कितने बॉल्स है, टोटल नंबर ऑफ 5, और ब्लू कितने, 2, तो इसकी ब्लू वाले की हो जाएगी 2/5, जहां पर मैंने बॉक्स वन सिलेक्ट किया हुआ है, और पिंक वाले की हो जाएगी 3/5, क्योंकि 3 नंबर ऑफ पिंक बॉल है, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने, 2 plus 3 5। इतना समझ में आया, और मैंने बॉक्स 2 में, बॉक्स 1 में सिलेक्ट किया। सिमिलरली यहां पर देखो 4 ब्लू बॉल है, टोटल नंबर ऑफ बॉल 9 है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/9 और इसकी हो जाएगी 5/9। इतना समझ में आ गया। अगर आप ये चार्ट बना लेंगे ना तो उसके बाद आपको क्या समझ में आएगा, देखो मैं बताता हूं, सारी चीजें अपन लिख लेंगे यहां पर। सबसे पहले लेट, अभी हमारे पास क्या दो बॉक्स है, तो B1 एंड B2 को दोनों को लिखना है। B1 बी द इवेंट वेयर, मतलब फॉर सिलेक्शन ऑफ बॉक्स नंबर 1 या फिर बॉक्स 1, B1 बी द इवेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ बॉक्स 1 और B2 बी द इवेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ बॉक्स 2। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, पिंक बॉल के लिए फाइंड करना है, तो सबसे पहले P लिख लेते हैं, P बी द इवेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ पिंक बॉल, सिमिलरली पिंक बॉल के लिए, और इस देर पे कहते हैं ब्लू बॉल के लिए, ब्लू बॉल, ब्लू बॉल को पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते, ब्लू को यहाँ पे कुछ और लिखते लिख देते, जी लिख देते, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया वो देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, अच्छा यहाँ पे B1 लिखा, तो यहाँ पे B लिख सकते हो सिंपली, हाँ इधर B1 लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या दिया हुआ हमें, 1/2, कैसे देखो बॉक्स 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 वो भी 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 भी आ गया हमारे पास 1/2। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक, पिंक गिवन दैट B1 इज ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो B1 ऑकर्ड हो गया है, तो उसमें हमारा पिंक का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5, सॉरी पिंक का नहीं, ब्लू, पिंक का 3/5, और ब्लू का है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गिवन दैट बॉक्स B1 इज सिलेक्टेड या फिर B1 इज ऑलरेडी बीन हैपेंड या फिर अकर्ड, इसमें क्या आ जाएगा, ये हमारा 2/5 ब्लू के लिए। सिमिलरली हम लोग दूसरे बॉक्स की तरफ जाएंगे, पिंक लेंगे, वहां पे हमारा बॉक्स 2 हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, तो वहां पर पिंक के लिए क्या हो जाएगा 5/9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल 4/9। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर समझते हैं हमें फाइंड क्या करना है। देखो पिंक बॉल सिलेक्ट किया हुआ है किसमें से, फर्स्ट बॉक्स में से, वो तो हमें दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन, देखो हम स्टूडेंट लोगों को ऐसा लगता है कि ये फाइंड करना हुआ है, लेकिन हमें तो ये पहले से दिया हुआ है, तो हम वापस से उसी चीज को फाइंड करना रहेगा क्या, नहीं। इस केस में हमें पिंक बॉल ऑलरेडी बीन अकर्ड है, पिंक बॉल सिलेक्ट कर लिया है, और हमें फाइंड करना है कि वो क्या है,
बॉक्स वन में से सिलेक्ट हुआ है, तो पहला ये हमें फाइंड करना है, ओके। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स टू में से जहां पे पिंक बॉल ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो ये चीज में कंफ्यूजन हमेशा होता है, स्टूडेंट को ये और ये चीजों में क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। तो ठीक है, अभी बेस थ्योरम को लगाते हैं। बेस थ्योरम में हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है बी वन प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो कैसे फॉर्मूला बनाने का भी एक तरीका है। फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन गिवन दैट पी इज ऑलरेडी बीन अकर्ड, इसको उल्टा करके लिखने का, देखो कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी और बी वन इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बी वन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नीचे वाले टर्म क्या आएंगे, जितने भी पिंक वाले प्रोबेबिलिटीज आ रही ना, ये वाली इंटरसेक्शन वाली, उसको लिखना है। देखो जैसे ये बी वन वाला पहले लिख लिया हमने, और दूसरा देखो ना बॉक्स टू में भी पिंक वाला आ रहा है, हमें पिंक के लिए फाइंड करना है, तो बॉक्स टू में भी पिंक आ रहा है तो उसके लिए भी वो वाली भी प्रॉबर्टी लिख देनी है, ओके। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे हमें सिर्फ सिंपली वैल्यू पुट करनी है। देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक गिवन दैट, ये वाला ये क्या है 3/5 डाल दिया, उसके बाद 1/2, इसके बाद ये वापस 3/5 इंटू 1/2, नेक्स्ट ये वाला 5/9 और 1/2। अभी यहां पर देखोगे तो 1/2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचा 3/5, और नीचे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 कैंसिल हो गया। 5/5 = 25 और 9/3 = 27 अपॉन 5 × 9, नीचे ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 सिंपली ऊपर चला जाएगा, 9/3 = 27 अपॉन 27 + 25 = 52, ओके। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस में क्या बोला है, सेकेंड बॉक्स सिलेक्ट हुआ, इस केस में क्या होगा, ये वाला टर्म यहां पर आएगा, ठीक है, जहां पे हम लोग ने 1/1 लिखा हुआ वहां पे सिंपली 2/2 हो जाएगा। दिस इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा 3/5 नहीं आएगा, यहां पे हमारा जाएगा 5/9 और बाकी सब कुछ सेम आ जाएगा। लास्ट में आप सॉल्व करोगे ना, देखो कैसे मैं बता देता हूं, यहां पे लास्ट में आंसर क्या आएगा, क्या है यहां पे 3/5 की जगह पे क्या आया हमारा 5/9 और नीचे क्या हो जाएगा 27, मतलब 27 + 25 / 5 × 9 ऐसा कुछ आएगा। इस केस में 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 25 अपॉन आंसर क्या है 52। ये आपका इसके लिए प्रॉपर्टी आएगी। और ये क्वेश्चन क्या है, जैसे यहां पर हम लोग को B1 के लिए बोला था, यहां पे बॉक्स 2 के लिए बोला, यहां पे पिंक बॉल है, ठीक है, इजी है एकदम। बढ़ते आज के सेकंड और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पर क्या बोला हुआ है, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला, और यहां पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना वो भी दे दिया हुआ। तो क्या बोला, इफ E1 एंड E2 आर इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 इज ऑलरेडी बीन अकर्ड 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E2 इज ऑलरेडी बीन अकर्ड 0.3, और फाइंड करना है ये हमें। तो सब एकदम सिंप्लीफाइड करके आपको दे दिया हुआ है, बस आपको आंसर निकाल कर देना है। सबसे पहले क्या बोला, आर E1 E2 क्या है, इक्वली लाइकली क्या है, हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो हमें पता होना चाहिए, हमारा बेस थ्योरम भी यही बोलता है, अगर हमारे पास जो भी E1 और इवेंट्स दिए हुए क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो इन लोगों का जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी रहेंगे वो क्या होगा, हमेशा सम करने पर इक्वल टू 1 होगा, या फिर समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर बोल दिए आर इक्वली लाइकली, तो दोनों भी क्या है इक्वल, इन लोगों की प्रॉबर्टी क्या होने वाली, इक्वल होने वाली है। तो यहाँ पर प्रॉबर्टी ऑफ E1 इक्वल टू प्रॉबर्टी ऑफ E2 इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किसी को भी एक को सब्सटीट्यूट करो यहाँ पर, 2 × E1 / 2 प्रॉबर्टी ऑफ E1 = 1/2 और दोनों इक्वल, इसलिए ये आ गया, ठीक है, हमें ये मिल गया। फाइंड क्या करना है, ये ठीक है, आपको मैंने बताया था फॉर्मूला कैसे बनाने का, जितने भी इवेंट रहेंगे पहले सबसे पहले इसको देखो E1 है, इसको उल्टा करके लिखो, उल्टा करके लिखने मतलब E1 नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसकी प्रॉबर्टी मल्टीप्लाई पर जो भी रहेगा इसका प्रॉबर्टी ऑफ E1, ये बेस तरह का हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं। सेम अभी देखो यहाँ पर, देखो जितने भी A से रिलेटेड टर्म रहेंगे ना, जितने भी समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जितने भी ये वाले टर्म, जितने भी ये वाले टर्म रहेंगे ना नीचे, सबको ना लिख देने का A के साथ जितने भी हैं। तो ये देखो प्रॉबर्टी ऑफ A E, ये इसके साथ क्या है प्रॉबर्टी ऑफ E1,
ये सिंपली क्या इंटरसेक्शन का हम लोग समझ ले रहे हैं। इंटरसेक्शन का आपको अगर फॉर्मूला याद होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, तो ये इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बनता है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई टू के लिए लेना है मल्टीप्लाई बाय ई टू, सब कुछ है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन ई क्या 0.2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हम लोग जैसे निकाला हाफ अपॉन 0.2 इंटू हाफ, ठीक है मल्टीप्लाई प्लस लास्ट में क्या है 0.3 दिया हुआ है, देखो 0.3 मल्टीप्लाई प्रॉबर्टी ऑफ इटी हाफ, सब जगह से हाफ ऑफ कैंसिल कर देंगे। हाफ कैंसिल करेंगे देखो ये हाफ ये हाफ ये हाफ कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 0.2 अपॉन नीचे 0.2 प्लस 0.3 क्या होता है 0.5, और पॉइंट गैप करने के लिए हम लोग 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए एक जगह 2/5, तो ये हो गया हमारा आंसर। सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलने वाला है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग इसी से रिलेटेड मतलब बेस थ्योरम से रिलेटेड और कुछ नए सम देखने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।